गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो है कैबेज के बारे में। तो कैबेज जिसे हम बंद गोभी भी बोलते हैं हिंदी में, और ये जो है वन ऑफ द मेरी फेवरेट सब्जी है और काफी हेल्दी भी ये होती है। पर बंद गोभी में जो है बहुत ही ज्यादा चांसेस होते हैं कि इसमें टेप वॉर्म हो। इंडियंस जो है ज्यादातर कच्चे पत्ते नहीं खाते हैं, तो उन्हें टेप वॉर्म की इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। और जो टेप वॉर्म है बंद गोभी, एक हिसाब से पत्ता गोभी भी बोलते हैं इसे, तो इसमें बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि टेप वॉर्म हो। तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है? तो सबसे पहले जो टेप वॉर्म है वो अगर आप जो है गलती से स्वालो कर लेते हैं, मतलब सब्जी के साथ, इसका एग जो है डिस्ट्रॉय नहीं होता है, और वो जो है फर्टाइल एग अगर है तो वो जो है आपके स्टमक में जो है हैच हो जाएगा, और जो कीड़े हैं वो आपको स्टमक इन्फेक्शन दे सकते हैं, और उसका वर्स्ट पार्ट है कि वो जो है आपके दिमाग में जा सकते हैं और ये दिमाग को खाना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा जो है पॉर्क होता है उसमें भी चांसेस होते हैं, पर पॉर्क हम सब इतना नहीं खाते हैं, और मीट जो है अंडर कुक्ड हम नहीं खाते हैं। तो अब आपको बंद गोभी के केस में क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है? तो सबसे पहला, कभी भी बंद गोभी को आपको कच्चा नहीं खाना है। किसी भी कंडीशन में, किसी भी सीजन में बंद गोभी को आप कच्चा मत खाइए। दूसरा, चाइनीज में जो बंद गोभी होती है आप उसे अवॉइड कीजिए। वो पूरी तरह कुक नहीं होती है और उसमें बहुत ही ज्यादा चांसेस होते हैं कि फर्टाइल एग जो है टेप वॉर्म का वो जिंदा हो। अवॉइड कीजिए चाइनीज में बंद गोभी को खाना, क्योंकि उसमें जो है ये फुली कुक्ड नहीं होती है। उसके अलावा जब आपको बंद गोभी खरीदनी है तो आपको जो है ध्यान रखना है कि जो बंद गोभी हो उसमें वजन हो ना। तो अगर आप ध्यान देंगे तो ये एक फूल है और ये अभी जीरो पे है, तो ये जो है 1 kg से अबव है। आपको जो है ध्यान देने की जरूरत है कि अगर आपको जो बंद गोभी है वो हल्की लग रही है तो आपको उसको ध्यान देना है। हो सकता है कि अंदर से वो खाई हुई हो और उसमें टेप वॉर्म के एग्स हो, तो आप उसे अवॉइड कीजिए। अब सबसे जरूरी बात, जो बातें सारी जरूरी हैं कि आपको इसे कच्चा नहीं खाना है, रेनी सीजन में आपको बंद गोभी जो है अवॉइड करनी है। रेनी सीजन सबसे ज्यादा जो है टेप वॉर्म का, क्योंकि वॉर्म्स जो होते हैं रेनी सीजन जब हॉट ह्यूमिड होता है तब ये जो है बहुत ज्यादा ग्रोथ करते हैं, तो उस सीजन में आप अवॉइड कीजिए बंद गोभी को खाना। और जो इंडियन तरीका होता है बंद गोभी को कुक करने का, इंडियंस जो है सब्जी को बहुत ज्यादा ओवर कुक्ड करते हैं। उसके कुछ नुकसान भी हैं जिससे कि विटामिन वगैरह जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, पर बंद गोभी के केस में हमें एक फायदा है कि जो टेप वॉर्म का जो एग है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। पर फिर भी रेनी सीजन में अवॉइड कीजिए, कोई चांस मत लीजिए अपनी हेल्थ के साथ। तो होपफुली ये जो टिप्स हैं आपको हेल्प करेंगे, और ताकि आप जो है बेटर हेल्दी लाइफ एंजॉय कर सकें। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।